श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के आशीर्वाद से वृंदावन के आचार्य श्री कृष्ण दास अपनी अमृतमयी वाणी में कथा का रसपान कराएंगे। मंदिर के अध्यक्ष विकास लिमे व सचिव श्रीराम कुलकर्णी ने पत्र परिषद में बताया कि कथा का शुभारंभ 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे कलश यात्रा एवं भागवत कथा शोभा यात्रा के साथ होगा। शोभा यात्रा श्री गणेश मंदिर से निकलकर मानस चौक टेकरी लाइन गवलीपुरा मोहना देवल अंसारी मार्ग से होते हुए वापस श्री गणेश मंदिर पहुंचेगी। दोपहर 1 बजे पूजा स्थापना एवं कथा प्रारंभ होगी। मुख्य यजमान श्याम सुंदर अग्रवाल होंगे। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। आरती के बाद द्रोणा प्रसाद वितरण 1 से 7 दिसंबर तक होगा। भागवत कथा का समापन 7 दिसंबर को होगा। महाप्रसाद 8 दिसंबर को दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक होगा। विश्वस्त अधिवक्ता शांति कुमार शर्मा ने बताया कि भागवत कथा की संकल्पना मंदिर के दिवंगत पूर्व अध्यक्ष केशवराव पडोले की है। कथा के दौरान श्री गणेश मंदिर में 11 पोथियों में वाचन होगा। उपाध्यक्ष माधव कोहले, सह सचिव अरुण व्यास, कोषाध्यक्ष दिलीप शाहकार, विश्वस्त अरुण कुलकर्णी, केसी गांधी, एलएम ढोबले, संजय जोगलेकर, हरि भाले राव ने श्रद्धालुओं से उपस्थिति की अपील की। प्रोग्राम इस प्रकार से होने वाला है। 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे लेडीज के हाथ से, कुमारिकाओं के और सौभाग्यवती महिलाओं के हाथ से कलश का जो एक कलश यात्रा होगी और वो इस मार्ग से जाएगी, मानस चौक तक जाएगी। यहाँ से मानस चौक से टेकली लाइन और टेकली लाइन से मोंडा देवल तक और वाया अंसारी मार्ग मंदिर वापस आएगी और फिर दोपहर को रोज कथा का आयोजन दोपहर को 2 बजे से किया जाएगा। वो 6:30 तक चलेगा और आरती के पश्चात कथा का दैनिक समारोह हो जाएगा और 8वें दिन मतलब 8 दिसंबर को महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें 3,000 से 5,000 लोग शायद आएंगे, ऐसी अपेक्षा है। जो महाराज है इनका नाम है श्री कृष्ण दास, मथुरा वासी। इनके हाथ से, इनके मुख्य द्वारा इसका प्रवचन होगा और इस कथा के लिए मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल, जो प्रसिद्ध हल्दीराम जी भुजावाला इनके दामाद हैं, यह मुख्य यजमान रहने वाले। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।